हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं ए से लेके सी तक। टेल विच ऑफ देम शो 3 × 1/5 इक्वल टू 3/5, 2 × 1/3 इक्वल टू 2/3, 3 × 3/4 इक्वल टू 2 1/4। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 1/5 किस में है, 1/3 किस में है, 3/4 किस में है। यानी कि टोटल पार्ट्स 5 वन में शेड, टोटल पार्ट्स 3 वन में शेड। देखो, अब फर्स्ट पार्ट देखो, ए पार्ट जो है, ए पार्ट में हमारे कितने पार्ट्स हो रहे हैं, देखो टोटल 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 इक्वल टू, तो इक्वल टू किसके है, 2/3 है ना। तो 1/3 का मतलब 3 में से 1 में शेड है। ठीक है, ये 3 पार्ट है, 1 में शेड है, ये भी 1/3 है और ये भी क्या है, 1/3। तो ये कितने टाइम्स हैं, 2 बार है। ठीक है, तो 2 × 1/3 यानी कि हमारा जो ए पार्ट है वो उसका सेकंड का आंसर है। ठीक है, तो ए किसका आंसर है, ए इज इक्वल टू सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर है 2 × 1/3। टोटल पार्ट्स 3 हैं, 1 में शेड हो रहा है, इसमें भी 1/3 है, टोटल पार्ट्स 3 हैं, 1 में शेड हो रहा है, और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 बार 1/3 1/3 है, यानी कि 2 × 1/3। तो 2 × 1/3 किस में है, सेकंड पार्ट में। तो ये हमारा ए पार्ट का, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, ए। ए फिगर में हमारा 2 × 1/3 शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट हमारी फिगर है ये वाली। देखो नेक्स्ट फिगर में क्या है, बी पार्ट में हमारा ये देखो 3 × 1/5 देखना है हमने और 3/4 देखना है। ठीक है, अब देखो ये हमारी फिगर है। नेक्स्ट देखो इसमें कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 है ना। टोटल पार्ट्स तो 4 है, लेकिन कितने में शेड हो रहा है, 1, 2, 3, इसमें 3/4, इसमें भी टोटल पार्ट्स 4 हैं, कितने में शेड हो रहा है, 1, 2, 3, 3 पार्ट्स में। इसमें भी टोटल पार्ट्स 1, 2, 3, 4 हैं और शेड कितने में हो रहा है, 3 में। तो ये कितने पार्ट्स हो गए, 3 × 3/4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, देखो ये किसका आंसर आएगा हमारा, 3 × 3/4 थर्ड पार्ट है ना। बी पार्ट किसको शो कर रहा है, थर्ड पार्ट को। ठीक है, तो ये किसका, बी का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड के इक्वल हो जाएगा, थर्ड का आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है रजे, अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से। अब हमारा है इसमें देखो, नेक्स्ट हमारा ये है 1, 2, 3 है ना, 3 बार हो रहा है, कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है, 1/5, और ये कितना है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 1 में शेड हो रहा है, ये भी 1/5 है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पार्ट्स 5 हैं, शेड कितने में हो रहा है, 1 ऊपर रखेंगे, 1/5। तो ये कितनी बार हो गया, 3 × 1/5। अब देखो 3 × 1/5 किस में आ रहा था हमारा, फर्स्ट पार्ट में है ना, 3 × 1/5 यानी कि सी किसको शो कर रहा है, फर्स्ट पार्ट को है ना। तो सी का आंसर क्या है, 1 है ना, 1 सॉरी सेकंड लिख दिया 1। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको, आपने टोटल पार्ट्स देखने और जितने में शेड हो रहा है और कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स है, तो 3 × 1/5 है ना। तो ये सी का आंसर 1 है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 1 में पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कर लेना ध्यान से और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।